मॉर्निंग फ्रॉम चिटकुल। मैं कल यहाँ पे 6:30 बजे तक पहुँच गया था चिटकुल में, और जहाँ मैं रुका हूँ वो जगह है जोस्टल चिटकुल। बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए भी बहुत कुछ है। अभी मैं आपको एक लुक अराउंड दे दूँगा इस प्रॉपर्टी। बाकी कल का जो राइड थी यार बहुत टेरिबल थी। रास्ते में मतलब इतना डिफ़िकल्टी थी बाइक को, और बाइक एक पॉइंट पे आके मतलब खींचनी पड़ रही थी, ज़्यादा पावर नहीं दिखा पा रही थी बाइक, तो उस वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। क्योंकि इस टेरेन पे बाइक को चलने की हैबिट नहीं है, और ये बाइक उस हिसाब से इतनी बनी भी नहीं है, क्योंकि 150 cc है, माना पावर है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि इन सब टफ़ रस्तों से निकल चुके। इसके लिए एक प्रॉपर टूरिंग बाइक होती है, जो कि फ़िलहाल देखते हैं, अगर फ्यूचर में प्लान बना तो वो भी ले लेंगे। फ़िलहाल के लिए तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन जो भी है ऑल एंड ऑल बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। ऐसा नहीं है मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, बस एक जगह पे वो टर्न की वजह से जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा यार चलो जो हुआ हुआ, छोड़ो अब आगे की ट्रिप ख़राब नहीं करनी, तो इस वजह से मैंने आगे कंटिन्यू करा। तो ये है जोस्टल का कॉमन रूम, मतलब जहाँ पे सारे लोग आके अपना बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए गेम दे रखी हैं, कार्ड्स हैं, टीवी है, और भी बहुत कुछ है, बुक्स हैं, बुक्स एरी, और गिटार भी है अगर किसी को आता है बजाना और यहाँ पे आया हुआ है तो वो ये यूज़ कर सकता है। मैंने अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, और ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा चिटकुल एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ के जो केयर टेकर हैं, मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या है, तो इस एरिया का चिटकुल जो है वो लास्ट विलेज है, और आसपास घूमने के लिए रिवर साइड है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिवर साइड नाउ, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द टेम्पल। सो फॉर जस्ट अ पीस ऑफ माइंड वी विल स्टे देयर एट द रिवर साइड एंड हैव सम ब्यूटिफुल मोमेंट्स ओवर देयर, एंड जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग लाइक लाइफ टेंशन एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन ऑल्सो कम हेयर and feel the same. This place is very quiet and very much enjoyable. You can see colors, mountains, trees. So it's a do visit place. Whenever you will come, you will find a peace of mind over here. So no tension, and this is a no network area also. So from the tensions of social media that I am not having this, I am not having that, you will forget everything. Just look at the mountains and relax. हाथ जम गए हैं बिल्कुल, कुछ सेंसेशन हल्की हल्की फील हो रही है। तो रिवर साइड से वी आर डन, अब हम जा रहे हैं टेंपल की तरफ, और टेंपल के बाद हम वापस अपने हॉस्टल जाएंगे। वहाँ पे जाके जो कॉमन रूम है वहाँ पे बैठेंगे, चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। बट यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, ऊपर से सूरज भी छुप चुका है बादलों के पीछे, उस वजह से बहुत ठंड लग रही है। ऊपर से विंड भी बहुत ज़्यादा चल रही है इधर। सो ये है टेंपल यहाँ का, और ये सिर्फ फेस्टिव सीजन्स में खुलता है, और शाम को यहाँ पे पूजा होती है। तो ये माता देवी टेंपल है, यहाँ पे गेट ऐसे क्लोज रहता है, फेस्टिव टाइम में ही खुलता है, और
जो इवनिंग में आरती होती है वो बाहर से ही होती है, और अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आप यहीं से ही फ़ोटोज़ ले सकते हो और यहीं से ही दर्शन कर सकते हो। और अगर आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना है तो जूते उतार के जाना होगा, जूते पहन के आप ऊपर नहीं जा सकते। सो दिस इज़ द टेम्पल एरिया, इट्स अ लवली प्लेस, यू शुड विजिट इट। जा सकते हैं, और ट्रैकिंग के लिए ट्रैक पॉइंट है, उसमें 6 घंटे का ऊपर नीचे का रास्ता है, मतलब 3 घंटे जाना 3 घंटे वापस आना। मैं ट्रैकिंग करता नहीं और मैं इतना मतलब एक्सपीरियंस है नहीं, और वैसे भी मुझे कल निकलना है, और कल मैं सोच रहा हूँ कि चिटकुल टू दिल्ली करूँगा सीधा, बीच में कहीं रुकना ना पड़े, तो इसलिए मैं आज अपने आप को ज़्यादा थकाऊँगा भी नहीं, थोड़ा आराम ही करूँगा। बाकी ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में 2-3 दिन के लिए एक पीस चाहते हैं, बिकॉज़ नो नेटवर्क एरिया है यहाँ पे, आपको किसी का नेटवर्क नहीं मिलेगा एक्सेप्ट BSNL। BSNL पे भी आप सिर्फ कॉलिंग कर सकते हैं, नेट आपको अगर आपका लक हुआ तो नेट चल जाएगा, वरना नेट भी नहीं चलता इधर। और मैं यहाँ पे डॉर्मेट्री में रुका हूँ, डॉर्मेट्री का मतलब यहाँ पे ये यह है कि 4 बंदे एक रूम शेयर करते हैं, तो 600 रुपीज़ पर नाइट मुझे पड़ रहा है, और मेरे साथ 2 बंदे और हैं मेरे ही रूम में, वन गाय इज़ फ्रॉम केरला एंड वन गाय इज़ फ्रॉम मुंबई, एंड उसके अलावा मैं 2 बंदों से और मिला, तो उन 4 बंदों से मेरी बॉन्डिंग मतलब काफ़ी अच्छी हो गई है। हम सब आपस में शाम को कल बैठे थे, कल हमने बैठ के 5ों बंदों ने बहुत बात करी आपस में, अपने अपने बारे में बताया, फिर और भी काफ़ी डिस्कशन चल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और उनसे बात करके। तो यही मैं चाहता था, मैं अपने आप को ओपन अप करना चाहता था, और मेरे को लगा यार एक यही ज़रिया होगा मेरे को अपने आप को ओपन अप करने का, बिकॉज़ प्राइवेट रूम का भी ऑप्शन था लेकिन मैंने वो नहीं लिया। अगर मैं प्राइवेट रूम लेता तो मैं उस रूम में ही बैठा रह जाता, मैं बाहर नहीं निकलता, तो इसलिए मैंने बहुत मतलब मैं रूम बुक करने के टाइम पे भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि प्राइवेट रूम लूँ या डॉर्मेटरी लूँ, लेकिन लास्ट में मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैं डॉर्मेटरी ले रहा हूँ। मैंने भैया भी मेरे को देख रहे थे कि बंदा इतना कन्फ्यूज़ सा हो रखा है, मैंने उनको बोला मैं कहा मेरे को डॉर्मेटरी चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर पहले मेरे को लग रहा था यार कैसा एक्सपीरियंस होगा क्या होगा, बाद में मैंने सोचा कि अगर खुद को बदलना है तो खुद पहल करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं ऊपर सारे कॉमन रूम में बैठे हुए थे, तो मैं कॉमन रूम में आया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने सबसे बात करी, तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप भी नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों को जानने का मौका मिलेगा आपको, और व्यू तो यहाँ पे है ही बहुत अच्छा। अभी मैं एक बार आपको यहाँ से व्यू भी दिखा दूंगा, यहाँ से हम ये हिमालयन माउंटेन्स ही हैं, और यहाँ पे आपको स्नो माउंटेन्स भी दिख जाएंगे। चिटकुल में अभी स्नो नहीं पड़ रही, चिटकुल में स्नो होती है नवंबर और दिसंबर में, तो अगर आपको स्नो देखनी है तो आप उस टाइम पे आ सकते हैं, और लेकिन पूरी तैयारी के साथ आना। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सांगला से BSNL की सिम लेना मत भूलना, बिकॉज़ मैंने ये गलती कर दी, मैंने सिम नहीं ली और मैं अब किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। बाकी अपने साथ क्लोथ्स भी अच्छे से कैरी करके आना, जो जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो सब लेके आना, बिकॉज़ यहाँ मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ढूंढना उन सब चीज़ों को, तो इसलिए पहले से ही तैयारी करके आना अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।